हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देखते हैं कि मोनोमियल्स और बायोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल होते हैं एक्स, 2x, 4a, 7b, ये सभी मोनोमियल्स। यहाँ सिर्फ वन स्टेप है, इसके साथ अगर 2x प्लस 1 तो ये हो जाएगा बायोनोमियल। यहां पर डिफरेंस ये होता है कि यहां सिर्फ वन स्टेप होता है और टू स्टेप होते हैं, तब ये हो जाता है बायोनोमियल। इसी प्रकार x प्लस 1, x प्लस 4, 7b माइनस 3, ये सभी बायोनोमियल्स हैं। अब अगर हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, हमें अगर मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स करना है तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टू इंटू एक्स होता है 2x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सेम वेरिएबल्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और अगर आप 2 इंटू वाई करते हैं तो होता है आंसर 2y। एक्स इंटू 3z, हम जब एक्स इंटू 3z करते हैं तो हमारा आंसर होता है 3xz, बिकॉज यहाँ x नहीं है और यहाँ z नहीं है। सो 3 1 जा 3 x 1 जा x एंड z 1 जा z, 3xz। इस प्रकार से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशंस टू इच अदर। फर्स्ट है 2x प्लस 7, एंड 3x प्लस 2। यहां हमें 2x प्लस 7 अंडर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 2 से। तो हम सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे 3x प्लस 2 से, x प्लस 2। इसके बाद हम प्लस साइन है, 2x के बाद हमारे पास प्लस साइन है, तो यहां हम प्लस 7 लिखेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 2 से, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 इंटू 2 6, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस साइन प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 2 4, एक्स 1 जा एक्स। नेक्स्ट हम प्लस साइन देंगे क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां 3 के सामने भी हमारे पास प्लस साइन है, प्लस प्लस प्लस, 7 3 जा 21, एक्स यहां है लेकिन यहां नहीं है तो एक्स 1 जा एक्स। प्लस साइन देंगे क्योंकि प्लस प्लस प्लस, 7 2 जा 14। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स सेम है, एक जैसे हैं, जैसे कि 4x और 21x, तो ये दोनों स्टेप्स हमारे सेम है तो इनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो हमारा आंसर होगा 6x स्क्वायर प्लस 21 प्लस 4, दोनों में प्लस साइन है, सेम नंबर्स है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 21 प्लस 4 होता है 25x प्लस 14। यहाँ पर हम 25x लिखेंगे, 25x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बिकॉज 21x एंड 4x, तो ये x हमारा x ही रहेगा और ये हो जाएगा 25। नंबर्स का एडिशन होता है और वेरिएबल्स एज इट इज रहते हैं। ये तो ये है हमारा आंसर 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 14। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नंबर 2, 3x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 9। तो हमें पहले 3x का मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 9 से, इसके बाद हम माइनस 5 है तो यहां पर माइनस 5 लिखेंगे, अगेन हम 2x प्लस 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस, 9 3 जा 27, x 1 जा एक्स, माइनस प्लस माइनस, 5 2 जा 10, x 1 जा x, माइनस प्लस माइनस, 5 9 जा 45 इक्वल 6x स्क्वायर। अब यहाँ 27x एंड 10x है, प्लस 27x और माइनस 10x, अब हमारे दोनों साइन डिफरेंट है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। बड़ा नंबर हमारे पास 27x है इसलिए यहाँ प्लस साइन आएगा आंसर में, 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 1 1,
प्लस 17x, द आंसर इज प्लस 17x माइनस 45, इट इज द आंसर 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 45। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 7x माइनस 6 इंटू 15x प्लस 15x माइनस 2। 7x मल्टीप्लाई 15x माइनस 2 माइनस 6 15x माइनस 2। 15 7 जा 105, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, 7 2 जा 14x माइनस प्लस माइनस, 15 6 जा 90, x 1 जा x माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12। 105 x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 90x ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस माइनस 104x प्लस 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वन बाय टू एक्स प्लस फाइव वाई इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स बाई फाइव वाई। वन बाई टू एक्स का मल्टीप्लाई हमें करना है थ्री एक्स माइनस सिक्स बाई फाइव वाई से, प्लस फाइव वाई का मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स माइनस सिक्स बाई फाइव वाई। यहाँ पर हम 1 बाई टू का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 3 बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 1 जा 6 5 2 जा 10 y, यहाँ पर y है यहाँ पर x है तो हमारा आंसर होगा एक्स वाई प्लस 5 3 जा 15, यहाँ प्लस 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 5 3 जा 15 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 5 और यहाँ पर भी 5 है तो 5 एंड 5 कैंसल 6 y स्क्वायर, ये हम करके दिखाते हैं 5y into 6 by 5y, तो ये 5 and 5 cancel 6y into y y स्क्वायर equal 3 by 2 x स्क्वायर। अब यहाँ पर x y वाले दोनों नंबर्स है तो हम इन दोनों के लिए LCM लेते हैं, यहाँ पर हमारा LCM आएगा 10, यहाँ माइनस साइन है हमारे पास, माइनस साइन को हम बाहर रखेंगे, माइनस साइन हमारे ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यहां पर हमारा प्लस साइन होगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस। 10 1 जा 10, 1 6 जा 6 एक्स वाई प्लस 15 के नीचे 1 है तो 1 10 जा 10, 10 15 जा 150 एक्स वाई माइनस 6 वाई स्क्वायर। 3 बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 6xy, 150xy में से 6xy हमें माइनस करना है तो हमारा आंसर होगा 144xy प्लस में अपॉन 10 माइनस 6y स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 5y इंटू 7x माइनस y, x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7x माइनस y से प्लस 5y 7x माइनस y, 7x स्क्वायर माइनस xy प्लस 7 5 जा 35xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 7x स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस 35xy, 35xy में से 1xy हम माइनस करेंगे सो आंसर इज 34xy माइनस 5y स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट है x प्लस वाई इंटू 2y प्लस 3x प्लस 3x प्लस y इंटू y प्लस 2x, तो हम इसे दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इस x प्लस वाई इंटू टू वाई प्लस थ्री एक्स को सॉल्व करेंगे और सेकंड में थ्री एक्स प्लस वाई
इंटू वाई प्लस टू एक्स को हम एक ही साथ सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं x का 2y प्लस 3x से, 2y प्लस 3x प्लस y, 2y प्लस 3x, इसे हम एक ब्रैकेट में अलग कर लेते हैं, प्लस 3x इंटू y प्लस 2x प्लस y, y प्लस 2x, इसे हम अलग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, इक्वल x इंटू 2y, सो 2xy आंसर, प्लस 3x इंटू x, 3x स्क्वायर, प्लस 2y इंटू y, 2y स्क्वायर, प्लस 3xy, प्लस यहां तक हमारा इस ब्रैकेट का सॉल्व है, यहां से हमारा सेकंड स्टार्ट हुआ, 3xy प्लस 2 इंटू 3, 6x स्क्वायर, प्लस y इंटू y, y स्क्वायर, प्लस 2xy, ये हमारे पूरे मल्टीप्लिकेशन हुए, 2xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें देखना है कि एक टैग के कौन कौन से जो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ 2xy, xy वाले और है 3xy, xy, 3xy और ये है 2xy, इन सभी को हम देखते हैं सभी के साइन प्लस में है, तो सभी आपस में ऐड होंगे, तो 2xy एंड 3xy हुआ 5xy, प्लस 3 8xy, प्लस 2 10xy, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, हमारे पास बचे हैं 2y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर एंड y स्क्वायर हुआ प्लस 3y स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 1 बाय 2 इंटू 3x बाय 2 माइनस 1 बाय 4, तो हमें 2x का मल्टीप्लाई करना है 3x बाय 2 माइनस 1 बाय 4 से, फिर प्लस 1 बाय 2 3x बाय 2 माइनस 1 बाय 4, तो यहाँ 2x, 2x इंटू 3x बाय 2, 2 एंड 2 कैंसल, x इंटू x, x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय 4, 2 1 जा, 2 2 जा, सो आंसर इज x बाय 2, प्लस यहाँ पर 3x 1 जा, 3x बाय 2 2 जा 4, माइनस 1 बाय 4 2 जा 8, इक्वल 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4, 2 2 जा 4, 2 इंटू x, 2x प्लस 3x माइनस 1 बाय 8, इक्वल 3x स्क्वायर माइनस, आंसर 3x स्क्वायर माइनस 5x बाय 4 माइनस 1 बाय 8। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x माइनस 5y, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x माइनस 5y से, प्लस वाई स्क्वायर 3x माइनस 5y इक्वल 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस x वन, x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 हो जाता है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 5y क्यूब, यहाँ x स्क्वायर y है और यहाँ xy स्क्वायर है, सो यहाँ आगे और कुछ नहीं हो सकता, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस b एक का मल्टीप्लाई हम करेंगे a प्लस b से, अगेन प्लस बी ए प्लस बी, ए इंटू ए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आंसर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई एंड 3x प्लस 4y
टू इच अदर एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज. तो हमें x का मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y से करना है प्लस y थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री सेवन एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर. यह है हमारा आंसर मल्टीप्लीकेशन का. नेक्स्ट हम ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू माइनस वन. तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 4y स्क्वायर. 3 इंटू x की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर. 3 टू टू जा 4 प्लस 7 टू जा 14 इंटू माइनस 1 सो माइनस 14 प्लस 4 इंटू 1 3 4 जा 12 माइनस 14 प्लस 4 1 जा 4 12 प्लस 4 16 माइनस 14 आंसर इज 2. 2 इज द आंसर वैल्यू ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0. थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस सेवन इंटू वन इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो स्क्वायर. थ्री इंटू वन, वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री इंटू वन प्लस सेवन इंटू वन इंटू जीरो जीरो. आंसर इज जीरो. सेवन वन जा सेवन, सेवन जीरो जा जीरो प्लस फोर इंटू जीरो. थ्री वन जा थ्री प्लस जीरो प्लस फोर जीरो जा जीरो. आंसर इज थ्री. So, in value of x is 2 and y is minus 1, answer is 2. And value of x is 1 and y is equal to 0, the answer is 3. Next exercise हम देखते हैं next video में. Thank you.